मैं दिल्ली वाला जहीरुद्दीन बात कर रहा हूँ। आज आपको मैं टाटा जनरेटर सेट का जो है ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन समझाता हूँ। ये बेहतरीन जनरेटर सेट है, आप देख सकते हैं। इसके अंदर ये डिजिटल पैनल है, ये आपको तीनों फेज के करंट दिखाएगा, आर वाई बी, रेड येलो और ब्लू, ये तीनों फेज करंट दिखाएगा। और इस पैनल के अंदर आपको वोल्टेज बताएंगे, फ्रीक्वेंसी बताएगी, आरपीएम बताएंगे, और आप हर फेस पे कितना लोड डाल रहे हो, ये आपको डिजिटल पैनल बताएगा। और कोई भी चीज़ अगर शॉर्ट सर्किट होती है, कहीं पर भी प्रॉब्लम होता है, तो एमसीसीबी ऑटोमेटिक जनरेटर को जो है ना वो बंद कर देगा, इसका करंट स्विच ऑफ हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप, टाटा का जेनसेट है ये इसकी ये एकॉस्टिक एनक्लोजर है, और आप जनरेटर स्टार्ट करने के बाद बाहर खड़े रहकर इतने आराम से बात कर सकते हैं, इसको बोलते हैं साउंड प्रूफ। ये इसकी साइलेंसर की लाइन है, ये बैटरी चार्जिंग अल्टरनेटर है, इससे बैटरी चार्जिंग होती है, ये एक्साइड की बैटरी है, ये स्टार्टर है, यहाँ पे पॉजिटिव वायर लगाया जाता है, यहाँ पे ये माइनस पॉइंट या नेगेटिव वायर लगाया जाता है, ठीक है। और ये इसका एयर क्लीनर है जो हवा को खींचता है। ये इंजन है 4 सिलेंडर का, ये अल्टरनेटर है। इस तरफ आइए, अभी आप आपको बताता हूँ। ये डीजल, यहाँ ये डीजल टैंक है, यहाँ से आपको डीजल फिल करना है, यहाँ से डीजल फिल करना है। ये इंजन का टेम्परेचर मीटर है, ये इंजन जो है कितना टेम्परेचर ले रहा है, कितना हीट हो रहा है आपको बताएगा। ये यहाँ पर इसका ऑयल प्रेशर मीटर है, ये ऑयल प्रेशर बताएगा। और ये बैटरी चार्जिंग मीटर है, यहाँ से इंजन स्टार्ट होगा, यहाँ से इसको खींचेंगे तो स्विच ऑफ हो जाएगा, बैटरी चार्जिंग की लाइट है। और ये डीजल टैंक है इसका, ये इसका पंप है। कभी कभी क्या होता है, इंजन एयर पकड़ता है तो पंप मारा जाता है और यहाँ से एयर निकाली जाती है। ये जो है इसका स्पीड कंट्रोल है, कभी इंजन का आरपीएम बढ़ाना हो, स्पीड बढ़ाना हो, तो यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से हमें इंजन के अंदर ऑयल डालना है, इंजन के अंदर ऑयल और पानी रहेगा तो उसकी लाइफ 15 ईयर्स तक आराम से चलती है। यहाँ से आपको पानी डालना है, 75% वाटर, 25% कूलेंट डालना है। ये इंजन होस पाइप है, यहाँ से भी आप ऑयल डाल सकते हैं और यहाँ से भी आप ऑयल डाल सकते हैं। तो ये इसका ऑपरेटिंग है, बहुत इजी है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, समझे। दीपिका चालू कर बताओ उनको, जब सिर्फ सेल्फ मारना है। जनरेटर बंद हो गया, यहाँ पे एक्स्ट्रा कूलिंग के लिए दो एग्जॉस्ट फैन भी दिए हुए, देखिए। आप आम कैनोपी के अंदर नहीं रहते हैं, ये एक्स्ट्रा कूलिंग फैन भी है जो अंदर की हीट को बाहर निकाल देते हैं। तो बहुत इजी ऑपरेशन है इसका। ये इसका अल्टरनेटर है, यहाँ से आपको करंट निकलेगा, 3 फेज भी निकलेगा और सिंगल फेज भी निकलेगा, 440 वोल्ट निकलेगा। और 4 वायर रहते हैं, 3 तो 440 वोल्ट के रहते हैं 3 फेज के, और एक सिंगल फेज का वायर रहता है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये टाटा का 4 सिलेंडर जनरेटर सेट का ये ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन है जो आज जो है हम बेच रहे हैं इसको। ओके सर, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।